आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी। देश भर में फैली कोरोना वायरस से संक्रमितों के, या बता दें आपको कि संक्रमितों की संख्या बढ़ने से प्रशासन ने नागरिकों को सावधानी बरतने और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से रूबरू होकर देशवासियों से रविवार को जनता का कर्फ्यू लगाकर घर से बाहर नहीं निकलने की बात कही थी। रायपुर सरपंच चैनाराम माली ने विशेष बातचीत की भारत टाइम्स न्यूज रिपोर्टर के साथ, किस प्रकार कोरोना से बचाव किया जा सकता है। और रायपुर में आदेश मिलने पर सभी व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर प्रशासन का सहयोग किया। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए रायपुर उपखंड अधिकारी भंवरलाल चनागल ने जनता के कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर रायपुर सहित बर कस्बे के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करवाए हैं। संक्रमण जिस तेज गति से फैल रहा है उसको देखते हुए सरकार द्वारा जो निर्देश एवं जो आदेश जारी हुए हैं, आप सभी लोग उस निर्देशों का और आदेशों का पालन करें, क्योंकि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज, कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बचाव ही उपचार है। अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखें, हाथों को बार बार धोएं और मुंह पर मास्क, अगर मास्क की व्यवस्था नहीं है तो मुंह पर रुमाल या सूती कपड़ा बांध के रखें। जिसे भी खांसी या छींकने की कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे लगभग 1-2 मीटर अपनी दूरी बनाए रखें। और चाहे वो घर का हो चाहे परिवार का हो, अगर थोड़ी बहुत भी आप लोगों को उसमें कोई समस्या ज़्यादा लगे तो जल्दी अपने अस्पताल के नज़दीक अस्पताल में उसको सूचित करें और उचित इलाज की व्यवस्था करावें। और कई जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है तो ग्रामीण परिवेश में उनके लिए जो साबुन है उन साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था करें। जब हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर इन आदेशों की और निर्देशों की पालना करेंगे तो इस बीमारी से हम लड़ पाएंगे और अपने देश को बचा पाएंगे। कल सरकार ने आह्वान किया है, आप जनता कर्फ्यू लगाएंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है आप इस जनता कर्फ्यू में अपना योगदान दें और कोई सुबह से लेकर शाम तक कोई घर से बाहर नहीं निकलें और सब अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। और रायपुर ग्राम पंचायत ने भी आज प्रशासन ने शाम को 5 बजे से जनता कर्फ्यू की अपील कर दी है। सारे प्रतिष्ठान, सारे व्यापारी, सारे दुकानदारों को सारी दुकानें वगैरह बंद करवा दी गई है। और मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, आपके जरूरत संबंधी जो भी सामान है, जो भी निजी जरूरत है, उन सामानों को अभी आप अपने घर में इकट्ठा करें। जब तक हम सरकार के आदेशों की पालना नहीं करेंगे और इस बीमारी के बचाव के निर्देशों की पालना नहीं करेंगे, जब तक हम इसमें उलझे रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है आप सब लोग एक हो और एकजुट हो और इस जनता कर्फ्यू का पालन करें। कल सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक सभी आप अपने घर में रहें। और मेरा तो ये निवेदन है, जब सरकार ने 31 मार्च तक कहा है तो आप 31 मार्च तक ऐसे जनता कर्फ्यू का पालन करें, ताकि सिर्फ जरूरत की चीज़ों के लिए ही आप बाहर आएँ, इमरजेंसी के लिए ही आप घर से बाहर आएँ। रायपुर मारवाड़ से महावीर प्रसाद खींची की रिपोर्ट।